क्योंकि बेसिकली ये जो विजिट्स हैं ये दो मकसद से किए जा रहे हैं। एक तो कि जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं हम उनसे मिलें और उनको ये एक मॉरल सपोर्ट मिलती रहे, और दूसरा ये है कि इसी तरीके से जो इस वक्त यहाँ पे कुछ ज़रूरी काम हैं क्या वो हो रहे हैं प्रॉपर या नहीं। और मुझे खुशी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सारी जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारा जो डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उनके साथ साथ पुलिस वाले भी उसी तरीके से उतना ही एक्सपोज हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी कई मरतबा एक्सपोज हैं वो भी, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक आदमी, सबसे छोटे क्लास फोर मुलाजिम से लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब, सबके सब इसमें इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज अ फ्रंट लाइन वॉरियर फॉर अस। और रजौरी में जैसे अनफॉर्चुनेटली मंजा कोर्ट में कुछ केसेस पॉजिटिव पाए गए थे, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हेल्थ अथॉरिटीज़ ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो एक मिसाली तरीका था, और उसी की वजह से इस वायरस के जो स्प्रेड था उसको कम्प्लीटली वहीं पर रोक लिया गया, और उसी की वजह से उसके बाद बिल्कुल कहीं पर भी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। अब हमारे लिए यहाँ पे रजौरी में जो एक नया चैलेंज जो सामने आ रहा है वो ये है कि जो हमारे कुछ लोग यहाँ के रहने वाले जो बाहर डिफरेंट जगहों पे हैं, खसूसी तौर पर जो वादी कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो शायद कोई किसी गलत फहमी में या बेवकूफ़ी की वजह से वो वहाँ से पैदल आकर यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने। हमारा उनको आप ही के ज़रिए ये मैसेज भी है कि बजाय ऐसा आने के आप हमें बताइए, हम आपको खुद वहाँ से लेकर आएंगे, हम अरेंज करेंगे आपका वहाँ से या, और उसके साथ साथ आपका जो भी आपको चेक वगैरह करना होगा वो भी करवा लेंगे। लेकिन अगर वो इस तरीके से आएंगे तो वो अपने साथ और पता नहीं क्या क्या लेकर आएंगे, और वो अपने ही घर वालों के लिए शायद किसी बहुत बड़े हादसे का जरिया बन